दोस्तों, जब भी आप फ़ोन में या फिर सिनेमा हॉल में मूवी देखते हो तो तब आपको मूवी के स्टार्ट में ये पेज नज़र आता है। ये आखिर क्या है और इसको नहीं दिखा के डायरेक्टली मूवी क्यों नहीं शुरू कर देते ये लोग? एक्चुअली ये एक मूवी सर्टिफिकेट होता है जिसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट इशू करता है, और ये काम किया जाता है आप लोगों के लिए, मतलब ऑडियंस के लिए, ताकि लोगों को पता होना चाहिए आप जो मूवी देख रहे हो उसमें कंटेंट क्या है, क्या ये मूवी बच्चों के देखने लायक है, उसमें लड़ाई मारपीट कितना दिखाया जा रहा है। ये सब चीज़ें आप पता कर सकते हो सिर्फ 10 सेकंड में उस फ्रेम को देख के। कैसे? ये सुनो, तो अगर आप मूवी के स्टार्ट में ये देखो कि उसमें यू लिखा हुआ है तो तब इसका मतलब होता है कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड मूवी है, उसको कोई भी देख सकता है, चाहे वो 4 साल का बच्चा हो या 20 साल का जवान हो या 50 साल का बुजुर्ग। इसके बाद नेक्स्ट आपको कई मूवीज में यू ए लिखा हुआ दिखाई देगा, इसका मतलब होता है अनरिस्ट्रिक्टेड विद कॉशन, मतलब सब देख सकते हैं मगर थोड़ा ध्यान रखना होगा। बट जो 12 साल से कम उम्र बच्चे हैं वो अपने पेरेंट के साथ जाकर देख सकते हैं। अगर किसी मूवी में ये लिखा हुआ है तो अकेले नहीं देख सकते, लेकिन 12 साल के ऊपर वाले बच्चे आराम से देख सकते हैं। ये काइंड ऑफ यूनिवर्सली है। उसके बाद आता है ए। ए मीन्स अडल्ट ओनली, मतलब 18 साल के ऊपर के लोग ही इस मूवी को देख सकते हैं, और लीगली स्पीकिंग 18 साल से जो छोटे होते हैं उनको ये मूवी देखना अलाउड नहीं होता। और एक रेयर टाइप का सर्टिफिकेट होता है जिसमें एस लिखा होता है। एस का मतलब स्पेशल मूवी, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशल क्लास। आपको पता है पब्लिक से हिडन कुछ मूवीज ऐसी भी आती हैं जो कि सिर्फ स्पेशल प्रोफेशनल के लिए बनाई जाती हैं, जैसे कि डॉक्टर, साइंटिस्ट एट्सेट्रा, और सिर्फ उन्हीं के पास परमिशन होती है इस मूवी को देखने की। मतलब जिसके पास डिग्री नहीं है वो नहीं देख सकता। आपको कभी टिपिकली एस देखने को नहीं मिला होगा क्योंकि ऐसी मूवीज़ पब्लिक से डिफरेंट बनाई जाती हैं, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।